जय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देवश्य इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन टीचिंग। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, अभी तक हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था एयर पॉल्यूशन के बारे में। सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। क्लियर? सो स्टूडेंट, पानी को कैसे गंदा करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पानी का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ पर होता है, तो आपको ये पता है, वो बाथिंग, क्लोथिंग, डिफरेंट बहुत से तरीके से पानी का यूज़ किया जाता है। बस स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे कि पानी को गंदा कैसे करते हैं। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जब पानी के अंदर कोई भी मटेरियल, कोई हार्मफुल मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल, जैसे कि केमिकल, ये सब चीज़ें जब हम उसमें ऐड करते हैं, तो पानी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। बस स्टूडेंट्स, वाटर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूटेंट, बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट। अब वाटर पॉल्यूटेंट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम किसी भी चीज़ को ऐड करते हैं और जब पानी गंदा होता है, मतलब कौन सी चीज़ को ऐड करने से पानी गंदा होता है, उसको क्या बोलेंगे? वाटर पॉल्यूटेंट। क्लियर? नाउ सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वाटर पॉल्यूटेंट को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे एक केस स्टडी की। अब केस स्टडी में हमने सिलेक्ट किया है गंगा रिवर। सो यू नो, गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर ऑफ इंडिया। और स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया में बहुत से पीपल्स हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल, हु आर डिपेंडेंट फॉर देयर डेली नीड्स। सो डेली नीड्स के लिए स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया में बहुत से लोग हैं जो कि इस पर डिपेंडेंट हैं। क्लियर? उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से फुलफिल होती है। क्लियर? नाउ सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, WWF, इट इज़ नॉट WWE, इट इज़ WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। सो स्टूडेंट्स फाउंड दैट, इन्होंने क्या फाउंड, इन्होंने ये देखा कि गंगा इज वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, सो आपको यह समझ में आ गया ना, द पॉल्यूशन लेवल हैज बिन राइजिंग। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये डिस्कस किया गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि गंगा रिवर का जो पॉल्यूशन है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। बराबर? अब स्टूडेंट्स, वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, हम उसकी बात करते हैं कि जैसे कि जो पॉल्यूशन लेवल है, जो पॉल्यूशन है जो नदियों में आता है, वो कहाँ से आता है? टाउन, सिटीज़, वहाँ से आता है। वहाँ का जो गार्बेज होता है, जो सीवेज का जो वाटर होता है, जो डेड बॉडीज होती है, जो हार्मफुल थिंग्स होती है, ये चीज़ें जब रिवर में ऐड हो जाती है, तो उससे क्या होता है? वाटर पॉल्यूट हो जाता है। क्लियर? एंड स्टूडेंट, इससे नुकसान क्या होता है? द एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक लाइफ, वो एनिमल जो कि पानी के अंदर रहते हैं, दैट एनिमल कैन नॉट सर्वाइव, उनको सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्लियर? नाउ अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे गंगा को, गंगा नदी को क्लीन करने के लिए वन मिशन वी हैव लॉन्च और वन प्लान वी हैव मेक। एक प्लान हमने बनाया है एंड द नेम दैट इज गंगा एक्शन प्लान। एंड ये प्लान को हमने लॉन्च कब किया था? 1985 में। और इसका जो मेन मोटिव था, मेन मोटिव क्या था? टू डिक्रीज द पॉल्यूशन लेवल ऑफ द रिवर। इसका मेन मोटिव क्या था कि नदी में जो पॉल्यूशन है उसको हमें क्या करना है? डिक्रीज करना है। क्लियर? सो ये हमारा मेन मोटिव था। तो अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ स्टूडेंट्स कि ये जो नदियाँ हैं, ये सब गंदी कैसे होती हैं? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये सब में नुकसान होता है। क्लियर? ये पॉल्यूट होती है नदियाँ। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, अब देखो, लेट अस टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, द गंगा एट कानपुर। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि गंगा नदी डिफरेंट सिटीज़ में से पास होके जाती है, बट अगर हम यूपी की बात करें, यूपी एक स्टेट है जहाँ पे एक सिटी है, दैट इज़ कॉल्ड कानपुर। सो अगर स्टूडेंट गंगा नदी की हम बात करें, तो कानपुर में गंगा का जो पॉल्यूशन लेवल है वो सबसे ज़्यादा है। कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड टाउन इन यूपी।
यूपी में कानपुर ओके जो सिटी है वहाँ पे गंगा का जो पॉल्यूशन लेवल है वो सबसे ज़्यादा है ओके। वहाँ पे आपको लोग जो हैं पीपल्स कैन बी सीन ओके बाथिंग वॉशिंग क्लोथ ओके। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट ओके मैथड वहाँ पे लोग आपको ये ओके ये एक्टिविटीज़ करते हुए वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। सो क्लियर नाउ। और लोग पानी को और कैसे गंदा करते हैं, दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज फ्लावर्स आइडल्स ऑफ गॉड्स ओके। तो ये सारी चीज़ें लोग क्या करते हैं, नदियों में फेंकते हैं, कचरा है, फ्लावर्स है, आइडल्स है ओके, मतलब भगवान की जो मूर्तियाँ हैं ये सब चीज़ लोग क्या करते हैं, और प्लस पॉलीथीन ये सारी चीज़ें लोग नदियों में फेंकते हैं। क्लियर। तो इससे क्या होता है, इससे पॉल्यूशन। चलो ना स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट, एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज कंपेरेटिवली स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज वेरी स्लो। तो स्टूडेंट्स एक बात और ओके, कानपुर में नदी का जो पानी ओके नदी का जो पानी उसका जो फ्लो है वो थोड़ा सा स्लो है। क्या है, पानी का फ्लो थोड़ा सा स्लो है। अब स्टूडेंट्स इससे क्या है, ऐसा क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स कानपुर में क्या है कि पानी का जो लेवल है ओके जो फ्लो है वो थोड़ा स्लो क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा पॉल्यूशन एडेड है। जैसे कि कानपुर में टोटल मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज आर अवेलेबल। कानपुर में बहुत सी इंडस्ट्रीज अवेलेबल है एंड स्टूडेंट्स ये इंडस्ट्रीज में जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो कहाँ जाएगा, नदियों में ओके। अब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे कि फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट, लादर, पेंट इंडस्ट्रीज ओके, ये सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे अवेलेबल है। और स्टूडेंट यहाँ से जो टॉक्सिक केमिकल वेस्ट होता है ओके वो क्या किया जाता है, वो नदियों में ऐसे ही फ्लो ओके छोड़ देते हैं। ये जो कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं ओके वो नदी ये जो कंपनी का जो पानी होता है वेस्ट मटीरियल इसको नदियों में ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्लियर। उससे क्या होता है, नदी का पूरा पानी गंदा हो जाता है। क्लियर। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन थिंक ऑफ द क्वेश्चंस ओके। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं ओके किसके बेस पे, जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया ओके नदी के बारे में उसके बारे में कुछ क्वेश्चन दिए हुए ओके दैट वी विल नॉट डिस्कस नाउ। मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल इनटू रिवर एंड स्ट्रीम्स सी। सो स्टूडेंट्स बहुत सी कंपनियाँ हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज है जो कि अपना जो गार्बेज जो कचरा है वो जो पॉल्यूशन जो पानी है ओके वेस्ट वाटर वो नदियों में ऐसे ही ओके छोड़ दिया जाता है। जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स, ये सारी चीज़ें ओके। सी दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द रिवर। ये एक नदी का पिक्चर है स्टूडेंट। आप यहाँ पर देखो नदी कितनी ज़्यादा ओके डर्टी है, पूरा पानी जो है वो क्या है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो गया है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स ओके इंडस्ट्रीज में से हमें बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। क्लियर ना नाउ ओके। सी द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इंडस्ट्रीज कॉज केमिकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। सो स्टूडेंट्स इससे होता क्या है कि जो नदियाँ हैं वो ओके गंदी हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है केमिकल ऐड हो जाता है। क्लियर। अब कौन कौन सा केमिकल स्टूडेंट्स, तो बहुत से केमिकल्स हैं जैसे कि आर्सेनिक है, लीड है, फ्लोराइड से ओके। और ये जो केमिकल ये टॉक्सिक है, टॉक्सिक मतलब थोड़े से हार्मफुल है। क्लियर। किसके लिए, प्लांट और एनिमल्स के लिए। देयर आर रेगुलेशंस टू प्रिवेंट दिस, इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट बिफोर डिस्चार्जिंग इट इन टू द वाटर। सी स्टूडेंट्स यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई हुई है कि अगर कोई भी कंपनी अपना वाटर रिवर में फ्लो करती है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन, उसको पहले पानी को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पानी को थोड़ा साफ करना पड़ेगा ओके। और पानी को साफ करने के बाद आप नदी में उसको ओके छोड़ सकते हो। सो क्लियर। सो स्टूडेंट्स ओके इन चैप्टर नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जैसे कि आपको पता है ओके वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स इन द चैप्टर नंबर 1 ओके। फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स ओके, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कि अब ये क्या था स्टूडेंट्स, ये क्या था, ये केमिकल था। बट यहाँ पे हम केमिकल का यूज़ कहाँ करते थे, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लांट्स को वेरियस ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए। बट स्टूडेंट्स एट द लास्ट ये जो केमिकल्स है वो मिक्स कहाँ पे होते हैं, पानी के साथ।
और ये पानी कहाँ होता है स्टूडेंट, ये पानी धीरे धीरे करके फ्लो कहीं ना कहीं पे फ्लो होता है और उससे पानी गंदा हो जाता है। क्लियर? तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। नाउ हैव यू सीन पॉन्ड्स विच लुक ग्रीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, आपने देखा होगा कुछ तालाब आपने देखे होंगे, जब आप उसको दूर से देखोगे ओके तो वो जो तालाब है वो नॉर्मली आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा, मतलब पानी जो है ओके पानी ओके वो क्या होता है पानी का जो सरफेस है वो कवर हो गया किससे, ग्रीन कलर की एक लेयर से ओके जिसको हमने क्या नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड एल्गी। ओके सो एल्गी से क्या हो गया, वो पूरा का पूरा पोषण कवर हो गया है। क्लियर? सो जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी आपको गंदा दिखाई देता है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमने अभी तक यहाँ ओके यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया है। सो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ओके वो क्या है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, अभी तक हमने बात की कि भाई पानी कैसे गंदा होता है। क्लियर? अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स इसी पानी के साथ साथ कि पानी के अंदर जो एनिमल्स अवेलेबल है, पानी के अंदर जो एनिमल्स अवेलेबल है ओके उससे उनको क्या नुकसान होता है, तो ये तो आपको पता है कि कुछ एनिमल्स सर्वाइव कर पाते हैं और कुछ एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्लियर? ओके सो इससे जो एनिमल्स वो उनकी भी डेथ वहाँ पे हो जाती है। क्लियर? जैसे कि फूड वेस्ट, डिटर्जेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा कैन ग्राउंड ओके ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड बाय द सीवेज। जैसे कि आपको पता है कि पानी ओके जो ये हम लोग जो नॉर्मली बात करते हैं सीवेज मतलब गटर का पानी ओके गटर का पानी ओके कैसे पानी को गंदा करता है, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट्स ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ओके सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया था। क्लियर? और स्टूडेंट्स जब ये सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप्ड होगी सो उससे क्या होगा, कुछ डिजीज भी वहाँ पे स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? जैसे कि कॉलेरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस, सो ये सारी डिजीज भी वहाँ पे हो सकती है स्टूडेंट्स। क्लियर? ओके सो बहुत से डिजीज स्टूडेंट्स नॉर्मली आपको मैं बताऊँ ओके कंटामिनेटेड वाटर ओके गंदा पानी पीने से बहुत सी डिजीज होती है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कॉलेरा, सो कॉलेरा गंदा पानी पीने से ही होता है। क्लियर? जब आप कंटामिनेटेड वाटर जब आप यूज़ करोगे, जो पानी गंदा है अगर आप उसको ओके पीने के लिए यूज़ करोगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप बीमार पड़ सकते हो। क्लियर? नाउ सो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्यूरिफाइड। क्लियर? व्हाट इज पोर्टेबल वाटर, सो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं पोर्टेबल वाटर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं पोर्टेबल वाटर का मतलब क्या होता है, द वाटर विच कैन बी यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। पोर्टेबल वाटर का मतलब क्या होता है, वो पानी जिसको हम लोग पीने के लिए यूज कर सकते हैं, मीन्स 100% प्योर वाटर जो पानी हम पी सकते हैं। ओके अब स्टूडेंट्स पानी कौन सा हम पी सकते हैं जो प्योर फॉर्म में होगा ओके उसी को हम क्या बोलेंगे, पोर्टेबल वाटर। एंड स्टूडेंट्स हियर देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ओके जिसका यूज़ करके हम लोग पानी को प्योर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि नॉर्मली मैं आपको बताऊँ ओके इन आवर हाउसेस ओके वी आर यूजिंग ओके व्हाट वी आर यूजिंग आरओ। ओके सो आपको पता है ना कि हम आरओ का यूज़ करते हैं किसके लिए, वाटर को प्योर करने के लिए। क्लियर? नाउ सो द नेक्स्ट पार्ट, सो स्टूडेंट्स हियर टू पीपल आर डिस्कसिंग समथिंग ओके बुजू इज़ अ वेरी अपसेट, ही टेल्स पहली दैट ही ड्रिंक्स वाटर विच लुक्स क्लीन एंड वॉज विदाउट एनी स्मेल बट स्टिल ही फील। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एक स्टूडेंट हम इसको बोल सकते हैं एक स्टूडेंट या तो एक बच्चा है जिसका नाम है ओके बुजू, ये क्या है, ये क्या बता रहा है, ये बहुत अपसेट है ओके क्योंकि ही टेल्स पहली दैट ही ड्रिंक ओके उसने कहा कि भाई उसने एक साफ ओके एक क्लीन वाटर उसने ड्रिंक किया था ओके जो उसको दिखाई दिया था ओके जो उसने देखा कि भाई ये पानी बहुत साफ है इसमें से कोई स्मेल भी नहीं आ रही बट उसको पीने के बाद भी वो बीमार पड़ गई है। क्लियर? सो उसको पीने के बाद भी वो बीमार पड़ गई है ओके सो ऐसा क्यों हुआ, सो स्टूडेंट्स ऐसा पॉसिबल है कि अगर हमें पानी प्योर फॉर्म में भी दिखाई देता है बट वो प्योर नहीं है ऐसा भी हो सकता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ जैसे कि डेंगू आपने सुना होगा,
सो डेंगू एक ऐसा ओके माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स जो कि एक प्योर वाटर में प्रोड्यूस होता है, क्लियर, बट उसको पीने से ओके हम बीमार पड़ सकते हैं, उसके काटने से भी हम बीमार पड़ सकते हैं, बराबर। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, ओके द सिंपलेस्ट मेथड टू प्यूरीफाई द वाटर, द सिंपलेस्ट मेथड टू प्यूरीफाई द वाटर इज टू बॉइल। सबसे अच्छा स्टूडेंट्स अगर हमें पानी को प्योर करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पानी को गर्म कर दो। जब आप पानी को गर्म करोगे तो उससे क्या होगा, उसके अंदर के सारे जो बैक्टीरिया होंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है, वो सब मर जाएंगे, तो पानी प्योर हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट्स। वाटर विच इज सूटेबल फॉर द ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, समझ में आ गया ना। सो पोर्टेबल वाटर हम किसको बोल सकते हैं, वो पानी जो कि साफ होगा, किसके लिए, पीने के लिए, क्लियर। सो स्टूडेंट यू हैव सीन हाउ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेल्प टू क्लीन वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इन टू वाटर बॉडी। सो स्टूडेंट्स हियर जैसे आपको पता होगा कि ओके सीवेज का जो वाटर होता है, सीवेज का जो वाटर होता है जब हम उसको ओके कहीं पे भी पास आउट करते हैं, जब हम उसको ओके कहीं पे भी डिस्चार्ज करते हैं, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा प्योर करते हैं, ओके उसको हम क्या करते हैं, प्योर, प्योर मतलब थोड़ा सा साफ करते हैं, क्लियर। जैसे कि स्टूडेंट्स लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो स्टूडेंट दैट डिफरेंट मेथड्स हाउ द वाटर कैन बी प्यूरीफाइड, यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज फिल्टर। तो स्टूडेंट हम पानी को बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं, क्लियर ओके। तो स्टूडेंट्स ओके जैसे कि आपको पता होगा, आपने देखा होगा ओके विलेजेस में ओके चीज़ों को ओके साफ किया जाता है पानी को, क्योंकि स्टूडेंट्स गांव में क्या है कि फिल्टर ओके आरओ ये सब अवेलेबल तो होता नहीं है, सो दे आर यूजिंग अ सिंपल मैथड। तो स्टूडेंट द सिंपल मैथड इज बॉइलिंग, क्लियर। सो स्टूडेंट्स बॉइलिंग कैन बी यूज फॉर द ड्रिंक, ओके बॉइलिंग हम मेथड यूज कर सकते हैं जिससे कि पानी प्योर ओके हम कर सकते हैं। सो क्लियर स्टूडेंट्स, सी मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, सी आप ये देखो ओके ओके चलो क्लियर ना। सो हाउ इज पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इट इज प्यूरीफाइड, सो दैट ओके आप देखो ये आपको समझ में आ गया, देन दिस पॉइंट्स ऑल्सो वी आर डिस्कस नाउ, सी दिस पॉइंट ओके। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं ओके इन मार्केट सम केमिकल्स आर अवेलेबल, सम मेडिसिंस ओके कुछ टैबलेट्स भी अवेलेबल होती है, दैट इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। क्लोरीन की टैबलेट आती है जिसको हम अगर पानी में ऐड करेंगे तो जो पानी है वो प्योर हो जाएगा, क्लियर। तो आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ओके कुछ लोग होते हैं, वो हमारे सोसाइटीज़ में आते हैं और टैबलेट ओके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओके। तो उसका यूज़ क्या होता है स्टूडेंट, जिसका यूज़ करके हम पानी को प्योर कर सकते हैं। आपने देखा होगा वाटर को हमें ओके कुछ वो हमें कुछ लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल करते हैं, जिसको वो हमें क्या बोलते हैं कि ये आपको आपके जो भी टंकी है वहाँ पे आपको इसको उसमें ऐड करना है, जिससे कि पानी साफ हो जाएगा और उसके अंदर जो भी मच्छर वगैरह हैं वो सब भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्लियर ना। लॉज फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड सो दैट पॉल्यूटेड वाटर इज नॉट डिस्पोज ऑफ डायरेक्टली इन टू द रिवर्स एंड लेक। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज एट अवर इंडिविजुअल लेवल, वी शुड कॉन्सिक्वेंटली सेव्ड वाटर आर नॉट वेस्ट इट। सो स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ रूल्स ऐसे बनाने चाहिए कि जिससे कि अगर ओके कोई भी इंडस्ट्रीज में से पानी को डिस्पोज किया जाता है ओके विदाउट क्लीनिंग, बिना साफ किए, तो हम उसके अगेंस्ट में कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये जो लॉ हमने प्रिपेयर किए हैं दैट लॉ को हमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है, बराबर, और हमें भी यूज़ कर देखना है कि भाई स्टूडेंट्स कोई भी पानी का वेस्टेज ना करें। सो स्टूडेंट्स पानी को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। सो स्टूडेंट्स ये जो एक बेस्ट मेथड है, सो स्टूडेंट देखो रिड्यूस का मतलब क्या है, पानी को कम से कम यूज़ करो ना, सेकेंड रीयूज, जो पानी आपने यूज़ किया उसको कुछ अगेन कुछ एक ऐसा ओके वो पानी को आप दोबारा भी कहीं पर यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ओके गार्डन में हम उसका यूज़ कर सकते हैं, एंड जो पानी अगर पॉसिबल है
सो वी कैन रिसाइकल द वाटर, हम पानी को रिसाइकल भी कर सकते हैं. ओके, रिसाइकल क्या होता है स्टूडेंट्स? ओके, एक मैथड जिससे कि हम पानी को प्योर कर सकते हैं. क्लियर? थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ यू कैन सेव वाटर. वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज लाइक रीयूजिंग वाटर यूज फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क. देखो स्टूडेंट्स, हम वाटर को अलग अलग तरीके से, अलग अलग मैथड से यूज़ कर सकते हैं, और हमें ये भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम वाटर को कैसे प्यूरीफाइड भी कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये एक देखो एक मैथड है. ओके, तो स्टूडेंट ये जो मैथड है, ओके, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे वाटर को प्यूरीफाई किया जाता है. ओके, ये क्या एक प्लांट है, दैट इज कॉल्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पे क्या करते हैं, पानी को साफ करते हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट, जब यहाँ पे पानी साफ हो जाता है तो उसको, सी यहाँ पे जो पानी साफ होता है उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं, उसको कुछ अदर, ओके, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं. क्लियर? वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स में भी यूज टू वाटर प्लांटिंग. सो स्टूडेंट्स, जो वाटर हमने, ओके, वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए यूज़ किया था, सो स्टूडेंट्स वही पानी को हम लोग गार्डन में भी स्प्रेड कर सकते हैं, तो जिससे क्या होगा, पानी हम बचा भी सकते हैं. क्लियर? ओके, सो स्टूडेंट्स, पॉल्यूशन इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमेना, इट इज अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ. सो स्टूडेंट्स, एक चीज और, सो पानी अगर गंदा होगा तो उससे हमारी लाइफ को भी बहुत सारा फ़र्क पड़ने वाला है. क्लियर? ओके, बहुत से डिजीज़ हो सकती हैं, आपने देखा होगा. ओके, बहुत से डिजीज़ हैं, बहुत सी बीमारियां हैं जिसको, ओके, लोग आज के टाइम पे डेली लाइफ में सफ़र करते हैं. क्लियर? सो आज के टाइम पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमें पानी को प्योर करना पड़ेगा. क्लियर? पानी को प्योर भी करना है और हमें प्योर पानी भी यूज़ करना है. किसके लिए? फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस. सो क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अगर हम पानी, ओके, प्योर वाटर अगर हम यूज़ करेंगे फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज, तो हमारी जो लाइफ है वो भी हेल्दी होगी. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है. सो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन के, ओके, बेस पे हो सकता है कि हाउ द पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल, एयर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल. क्लियर? सो आई होप स्टूडेंट्स, आपको ये सब समझ में आ गया. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो को आप एक बार ध्यान से देखना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी. क्लियर? सो हम यहाँ पे अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. ओके, जय हिंद.